हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई मोटर्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जीएमपी के बारे में। इस आईपीओ के रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने कंपनी और आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी उन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने ये कहा था कि जब ये आईपीओ क्लोज होगा उससे एक दिन पहले हम इस आईपीओ के रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम हमारा फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आज हम उस आईपीओ की एक अपडेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो फाइनल डिसीजन है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के लास्ट में लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा, और अगर अभी तक किसी ने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन यही है कि सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख लें, जिससे आपको कंपनी एंड आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सब के बारे में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है, उन सबको कंसिडर करते हुए एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। उस वीडियो का लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी या फिर आप उसे एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय जो क्यूआईबी कैटेगरी और बाकी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है, तो क्यूआईबी का चल रहा है 0.05 यानी कि 0.95 से अंडर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। एंड जो बाकी कैटेगरी है जैसे कि स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल कैटेगरी एंड एम्प्लॉय कैटेगरी, उन सब का भी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो अंडर सब्सक्रिप्शन ही चल रहा है। यानी कि जो जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर्स किए थे अभी तक उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस नहीं आई है, तो जो ओवरऑल कैटेगरी है वो सारी अंडर सब्सक्रिप्शन चल रही है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के अपडेटेड जीएमपी के बारे में। तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय जो इस आईपीओ का करंट जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 3.21% का, यानी 63 रुपीज़ का अभी फिलहाल जीएमपी चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा लो जीएमपी है। और बाकी अगर हम पास्ट डेज की बात करें तो लगभग 10% के आसपास जीएमपी रहा है और लगातार डिक्रीज ही रहा है मैक्सिमम, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसका डिसीजन हम ले लेते हैं। तो जब हमने इस आईपीओ की डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें जो हमने कंपनी के सबसे पहले फाइनेंस वगैरह देखे थे, उसमें जो रेवेन्यू था और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लगातार हर साल इंक्रीज था, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे परसेंट से थी, जो हमारे लिए क्या थे, पॉजिटिव पॉइंट थे। फिर हमने जो कंपनी के रिटर्न्स देखे थे, हमने लास्ट 3 साल के देखे थे, 2023, 2022 एंड 2021 एंड जो 2024 के रिटर्न्स थे वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज में थे, लगभग 50% के आसपास जो कंपनी जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ प्रोवाइड करा रही थी। इसके साथ साथ जो इस कंपनी का डेप टू किट रेशियो था वो भी 1 से कम था, यानी कि जो कंपनी के पास डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। उसके साथ साथ इस कंपनी का जो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो जीएमपी है वो काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा है। तो उस बेसिस पे मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार इंक्रीज है, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंट में है, बस जो डेप्ट टू रेशियो भी कम है, पर जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा लो होने के कारण मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इस आईपीओ को अवॉइड करूंगी। पर जैसा कि अगर ये आईपीओ जब लिस्टेड होता है, अगर नेगेटिव में लिस्टेड होता है तो मैं इस आईपीओ को जो इस कंपनी के शेयर है उसको बाय करने के लिए कंसिडर कर सकती हूँ। बाकी अभी मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे इससे पहले दो एग्जाम्पल ले हम, जैसे कि एलआईसी और पेटीएम, ये भी लगभग इसी इशू हायर इशू साइज के आईपीओ थे जो नेगेटिव पे लिस्टेड हुए थे। तो हो सकता है कि जो हुंडई आईपीओ वो भी नेगेटिव पे लिस्टेड हो जाए, तो जो रिस्क है वो हाई है, इसलिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रही हूँ। पर जैसा कि अभी आईपीओ क्लोज नहीं हुआ है, कल तक ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो ऐसे में अगर डिसीजन चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको उसकी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर मैं इस तरह की कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आती हूँ तो उसके लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग हम कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। बाकी कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा है और नहीं कर रहा है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।